हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस आपकी क्लास में फिर से आज मैं आपको लेसन में ले चलती हूँ। लेसन थ्री में अपन चल रहे हैं, लेसन टू आपका कंप्लीट हो चुका है। लेसन थ्री का नाम है बेटा रेशो से वस्त्र तक। यह आपका पाठ का नाम है। मैंने पहले भी बोला कि इस पाठ में आपको पढ़ना था रेशो से वस्त्र तक में कि रेशे क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि रेशे क्या होते हैं। इसके अंदर सब आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, जांतव रेशे। सबसे पहले जांतव रेशे एक तरीके से होता है ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त हो, उन्हें बोलते हैं जांतव रेशे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो आपको पता ही है कि कौन से हैं। वो भेड़ और याक और बकरी, जो जिससे आपको रेशे प्राप्त होते हैं। जिसमें से बेटा आपको ये भी बताया था मैंने कि इनकी अलग अलग हर तरीके से वैरायटी भी अलग अलग होती है, इनके अंदर प्लेस भी इनका अलग अलग होता है। जैसे याक को हम ओनली तिब्बत में देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि याक तिब्बती क्षेत्रों में पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा कि अगर आप उसकी बात करें याक की, तो वहाँ पर है। बकरी की बात करें, जैसे बकरी को, तो बकरी तो आपकी हर जगह दिखती है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है ना, इसको आप बिहार में भी देखते हो। लेकिन ये है कि जहाँ पे गर्म या समतापी जो ऐसे प्रदेश है ना, वहाँ पे तो एक तरीके से सामान्य दिखने वाली आपको दिखेगी बकरी। लेकिन जैसे ठंडक के प्रदेशों में आपका है, तो ठंडक के प्रदेशों में अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो होगी इसकी क्वालिटी बकरी की, वो वहाँ पर थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि वो उसी हिसाब से अपने शरीर का अनुकूलन कर लेते हैं। जैसे उनके शरीर पे बाल वगैरह भी अधिक होंगे, बालों की संख्याएँ भी, उनकी बालों की जो मात्राएँ होती वो अधिक होती हैं और ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जिससे कि जो रेशों की वैरायटी और क्वालिटी है ना, वो अपने आप अलग हो जाती है, क्योंकि जंतु उस हिसाब से अपने आप को अनुकूलित किया हुआ है और आप रेशे को जंतु से ही बाहर निकाल रहे हो, तो अपने आप रेशों को क्वालिटी मिल रही है, रेशों में अपने आप विभिन्नताएँ आ रही हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो रेशों के अंदर विभिन्नताएँ हैं, तो वो जिनसे प्राप्त हुए उनके अंदर भी विभिन्नताएँ हैं। तो जांतव रेशों के आधार पर इनको जो है अगर देखा जाए तो इनके रेशे अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको जाननी है इसके अंदर। फिर आपने शुरू किया भेड़ के, किस तरीके से आप भेड़ों के बारे में जानते हैं। तो जैसे भेड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, भेड़ पालन कैसे होता है। अब भेड़ पालन के लिए भेड़ के पहले शरीर के बारे में जाने कि भेड़ में दो तरह के बाल पाए जाते हैं। आपको बताया था मैंने शुरू में, एक तो दाढ़ी वाले बाल, दाढ़ी के आसपास के बाल जो रूखे होते हैं, और एक होता है आपका जो आपके यानी स्किन के पास हो। दाढ़ी वाले बाल तो रूखे होंगे, एक होगा मुलायम बाल जो त्वचा के पास होगा, यानी शरीर के आसपास होगा, चिकनी जहाँ पर आपकी उसकी त्वचा है, आपकी क्या भेड़ की, तो जहाँ पर स्मूथ, यानी कि कहने का मतलब है चिकना है, चिकना है त्वचा, चिकनी है त्वचा, वहाँ के आसपास के बाल मुलायम होंगे। और आपको पता है रेशे कहाँ के अच्छे होते हैं, वही मुलायम रेशे, मुलायम बालों के। तो मुलायम बालों के रेशे भी आपके अच्छे होते हैं, वो अच्छी ऊन को प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि यानी भेड़ में भी आपको दोनों रेशों की जानकारी मिली, एक तो आपको थोड़ा सा कड़ा या कठोर और एक आपको मुलायम। मुलायम वाले रेशे उनको ऊन बनाने में ज़्यादा उपयोगिता रखते हैं। फिर आपने बेटा जाना था एक वर्णात्मक चयन। वर्णात्मक चयन के अंदर मैंने आपको बताया था, वर्णात्मक प्रजनन भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, जनकों के चयन की क्रिया कराए, जनकों की चयन की प्रक्रिया कराई जाती है, जनक चुने जाते हैं ताकि इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है या इनसे उत्पन्न होने वाली जो नस्लें हैं भेड़ों की, वो अच्छी गुणवत्ता वाली हों, अच्छी क्वालिटी रखने वाली हों। तो इस तरीके से वहाँ ये चयन प्रक्रिया कराई जाती है, तो जिसे हम बोलते हैं वर्णात्मक चयन। उसके बाद आपको बताऊँ, मैं याक के बारे में अपन पढ़ा था, फिर बकरी के बारे में पढ़ा। बकरी में आपको ये भी बताया था मैंने कि जैसे अगर वो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो वहाँ की बकरी तो वहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा अच्छा रेशा है, मजबूत है, तो शॉले वगैरह बनती है, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। आज बेटा आपका है, इसी लेसन में आगे बढ़ते हैं हम।
अब ऊन की बात खत्म। हाँ, फिर आपने ऊन की कल वो विधि भी पढ़ी थी कि कैसे हम ऊन से प्राप्त करते हैं रेशे, तो उसमें आपने देखा था कि कई सारे प्रोसेस थे। पहले हम उसको वो धोते हैं, अभी मार्जन कराते हैं, फिर सुखाते हैं, रंगाई करते हैं, कटाई करते हैं, छटाई करते हैं, फिर लास्ट में रीलिंग कराते हैं, तब आपको मिलता है ऊन, तब बनता है ऊन, फिर उसके धागे तैयार होते हैं और फिर जाके कपड़े बनते हैं या स्वेटर बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि विधि में पूरा आपका विस्तार से होता है, यानी कि पूरी विधि के द्वारा वो ऊन को बाहर निकालते हैं, फिर धागों से उसके धागे बनाते हैं, फिर धागों से वस्त्र का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम अगर रेशम की, तो रेशम के बारे में आज आपको जानना है, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका डिस्कशन कर रही हूँ मैं। तो देखिए, रेशम प्राप्त कहाँ से होता है? रेशम कीट से। तो रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से, और जो रेशम कीट से आप रेशम प्राप्त करते हैं वो विधि होती है रेशम कीट पालन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत रेशम कीट पालन, यानी कि कहने का मतलब है रेशम कीट पालन क्या होता है कि आप पहले रेशम कीट को पालते हैं, तो रेशम कीट को पालते हैं और उसमें फिर आपको रेशम मिलता है, और जिससे मिलता है वो रेशम कीट होता है। तो ये विधि का नाम भी पड़ गया, रेशम कीट पालन विधि, तो ये विधि का नाम है। तो सबसे पहले आप इनको स्ट्रक्चर द्वारा समझिए कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, किसका मतलब कि पहले रेशम कीट को हम पालते हैं, पाल के फिर उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं, या रेशम कीट को हम कहीं पर भी उस पे, जैसे अगर आपको निकालना है रेशम कीट से रेशम, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा ना, जहाँ पे आप उसकी देखभाल कर सको, जहाँ पे आप उस पे नज़र रख सको ताकि आप उससे रेशम निकालो। तो रेशम कीट पालन से आपको ये प्राप्त होता है। अच्छा, इसमें कैसे क्या क्या होता है, देखिए पहले इसका पूरा जीवन चक्र आपको पढ़ना है। तो जीवन चक्र के अंतर्गत बेटा कैसे क्या जानना है, देखिए जैसे मादा रेशम कीट होती है, मादा रेशम कीट जो होती है उसका लार्वा होता है, तो लार्वा जो होता है उसे हम कहते हैं रेशम कीट या कैटरपिलर। तो रेशम कीट या कैटरपिलर इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको जानना है कि इसके लार्वा को आप कहते हैं रेशम कीट। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें इसके लार्वा को आप ऐसे भी कह सकते हो कि लार्वा, जैसे मैं आपको बताऊँ, छोटा छोटा जैसे उसकी बिल्कुल बच्चा ऐसा बोल सकते हो, या लार्वा वो भी है उसका बिल्कुल प्रथम रूप। जैसे मादा जनन कीट जैसे बच्चे होते हैं तो एक शुरुआती जो होता है उसका लक्षण, तो जस्ट ये मादा जो होती है रेशम कीट, ये पहले लार्वा छोड़ती, लार्वा निकालती, तो इससे जो लार्वा निकलता है ना उस, वो रेशम कीट ही होता है एक तरीके से, और फिर वो एक तरीके से अपनी रचना ऐसी बना लेता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा ये एक तरीके की प्यूपा कोशिका ही होती है जो इस तरह से रूप बना लेती है। तो एक तरीके से जो रूप बना लेती है वो अपना इस तरह से होता है, जैसे ऊपर से ये ढक्कन जैसा, जैसे यूँ। ठीक है, अब इसके अंदर वो सुरक्षित है। अब होता क्या है कि जैसे वो अपना एक आवरण तैयार कर लेती है, अब ये इसके अंदर वो इस तरह से ऐसे, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये अपना जो ऊपर इसने आवरण तैयार किया है उसमें जो है धीरे धीरे ये जो प्यूपा है इसका जो कठोर, ये तो आवरण कठोर हो जाता है, साथ में ये धीरे धीरे छोटा छोटा सा इसमें लार्वा जो निकलता रहता है वो उस तरीके से लार्वा निकल के जब इसमें प्यूपा में कन्वर्ट होता है, यानी परिवर्तित होता है, तो ये एक तरीके से जो अपनी रूपरेखा तैयार करता है उसमें वो पूरी तरह से रेशम से ढक लेता है अपने शरीर को, इसे बोलते हैं कैटरपिलर। ये मैंने लिख भी दिया है, इसे बोलते हैं कैटरपिलर वही है, नाम ही यही है कैटरपिलर। वैसे इसको बोलते हैं रेशम कीट, तो लेकिन हम नाम भी वही देते हैं कि कैटरपिलर।
अब ये कैटरपिलर जो होता है तो जस्ट इसमें क्या होता है, ये अपने पूरे को अपने रेशम से ही पूरे को अपने को ढक लेता है। अब धीरे धीरे अगर हमें इस, ये तो अपने आप अंदर विकसित हो रहा है, तो ये जो इसका रेशम से ढका है ना, अगर हम कलेक्शन करना चाहें, क्योंकि अपने ये तो अपने अंदर शरीर का विकास कर रहा है, ये उस रेशम जो जिससे शरीर ढका है वो तो उसके लिए निर्धक है, लेकिन हमारे लिए काम, हमारे लिए तो काम कर सकता है वो रेशम। तो वहाँ से हम रेशम को अलग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि रेशम आपको कहाँ से मिलता है, रेशम कीट के प्यूपा से, बात ये आ गई, या रेशम कीट के कोकून से। इसका नाम एक प्यूपा, और ये भी आप दे सकते हैं कि जो इसका आवरण होता है उसको हम बोलते हैं कोकून। तो ये आपको कोकून से प्राप्त होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा प्रोसेस, आप एक बार बहुत अच्छे से फिर से ढंग से सुन लें कि आपको रेशम कीट के बारे में पढ़ना है। तो रेशम कीट के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है उसका प्रोसेस, तो रेशम कीट में आपको इम्पॉर्टेंट जानना है। जैसे मैं आपको बताऊं, फिर से एक बार देखिए बोर्ड पर, सबसे पहले आज जैसे आपने ऊन के बारे में सारी चीज़ें जानी थी ना, अब ऊन के बारे में जाना तो उसमें तो रासायनिक विधि का भी प्रयोग है, उसमें तो आपने रासायनिक विधि का भी प्रयोग किया, उसमें बाकायदे आपने बताया भी कि हाँ भाई क्या कौन सी विधि है, क्या है ना, विधि के द्वारा आपने उसमें रंगाई करी, पुताई करी, बुनाई करी, वो सारी प्रक्रिया है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी प्राकृतिक चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें तुम कीट से प्राप्त कर रहे हो रेशम, डायरेक्ट कीट से। उसमें तो ये था कि भाई बालों को उतार लिया था, फिर बालों के साथ अपन प्रक्रिया कर रहे थे जिससे ऊन मिल रहा था, तो उसमें तो ये था कि मृत कोशिका थी वो उसको उतार लिया, कष्ट नहीं हुआ, हमारे भी काम आ गया। इसमें भी कष्ट तो नहीं होता इसको, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सावधानी पूर्वक काम किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपको रेशम मिले ही ना, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको रेशम मिले नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी कि रेशम कीट आपका जो कुकुन होता है उसमें आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको रेशम नहीं मिलेगा, वो उस तरह से नष्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि रेशम कीट के बारे में आपको जानना है कि रेशम कीट के लिए आपको जीवन चक्र के अंदर, यानी इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जीवन चक्र के अंदर मादा रेशम कीट के बारे में जानना है। तो रेशम कीट आपकी कौन सी होती है बेटा, मादा, यानी मादा रेशम कीट का जीवन चक्र आपको इसके अंदर जानना है। ये जीवन चक्री रेशम कीट मादा रेशम कीट पर निर्भर करती है। इसका मतलब होता है कि मादा रेशम कीट जो है अगर नहीं हो तो आपको रेशम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जीवन चक्र ही मादा रेशम कीट पर है। तो मादा रेशम कीट से आपका क्या निकलता है, एक बार फिर से देख लीजिए, लार्वा। ये लार्वा क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, एक छोटा मनुष्य में जैसे कहते हैं ना छोटा बच्चा, बिल्कुल बर्थ, न्यूली बर्थ लिया हुआ, यानी कि एक कहते हैं ना कि बिल्कुल बर्थ किया हुआ, न्यूली बर्थ किया हुआ, यानी बिल्कुल जन्मा हुआ बच्चा, तुरंत का जन्मा हुआ। उसी तरह से ये जो इस तरह के कीट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरह का लार्वा होता है। तो लार्वा का मतलब होता है कि ऐसे छोटे छोटे उनके पार, उनका जो यानी बच्चा जो उसका पहला रूप होता है तो वो लार्वा के रूप में निकलता है। तो लार्वा वो होता है। तो ये लार्वा ही जो मादा निकालती है उसको ही हम नाम देते हैं रेशम कीट। अच्छा, वो रेशम कीट धीरे धीरे जो अपना एक तरीके से आकार निर्मित करती है, एक तरीके से अपना आवरण बनाती है, उसे हम कहते हैं, उस तरीके से उस कोशिका को हम देते हैं नाम प्यूपा। प्यूपा एक तरीके की कोशिका हो गई। अच्छा, फिर प्यूपा कोशिका हो गई, अब ये इस तरीके के कुकुन, अब ये कुकुन क्या है, तो जस्ट जो अपना आवरण बनाई और फिर रेशम से जो ढक ली, तो एक ढक्कन जैसा इसका ये पूरा रूपरेखा तैयार हो गई। अब ये तो अपने अंदर शरीर को पूरा तरह से विकसित कर रहा है रेशम कीट, अपने उसके छोटे छोटे पर से होते हैं वो भी उसके बन रहे हैं, अंदर विकसित हो रहे हैं। तो ये जो पूरा विकसित हो रहा है, ये एक तरीके से बॉक्स जैसा होता है जिसे हम नाम देते हैं कुकुन, और उसके अंदर उसके आसपास पूरे रेशम ही रेशम है, उसके आसपास पूरे रेशम ही रेशम है। तो पूरे रेशम रेशम से वो अपने आप को ढक लिया, अब अंदर ही अंदर वो आगे की ओर विकसित हो रहा है, उसके पंख भी आ रहे हैं। तो रेशम रेशम से जो ढका है उसको हम सेपरेटली सावधानी पूर्वक हम उसको
सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, वो रेशम हमें बनाता है, वो रेशम हम ऑब्टेन करते हैं वहाँ से, रेशम हम प्राप्त करते हैं वहाँ से, और उसको फिर हम नया रूप देते हैं, जिससे कि आप रेशम से रेशमी वस्त्र, रेशमी साड़ी, रेशमी कपड़े तैयार करते हो। लेकिन उसके पहले कुछ तो रासायनिक विधि वहाँ भी अपनानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिया और वहाँ से ले लिया, उसको भी रूप तो देना ही पड़ता है रासायनिक विधि द्वारा। लेकिन आप इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो आप इसको ढंग से जीवन चक्र को जान लो कि इसमें मादा रेशम कीट से क्या आपने देखा लार्वा, फिर लार्वा से आपने देखा हाँ कि वो रेशम कीट बनने वाला है, फिर प्यूपा उसका जो आवरण है, प्यूपा के बाद आपने देखा कि जस्ट आपने उसके आवरण जो ढक्कन जैसा मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ही अंदर अंगों का विकास हो रहा है और वो रेशम से अपने आप को पूरा ढक लेते हैं, पूरी तरह से वो जो उसके अंदर से रेशम निकलता है ना उसी से वो अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कोकून, एक तरीके का बॉक्स है, तो वो बॉक्स जैसा आपका वो कोकून है, और कोकून जो आपका है वो जस्ट आपका कैटरपिलर का ही रूप होता है। कैटरपिलर हम कहते हैं छोटे यानी छोटा रूप, जो उसका कीट का जो छोटा रूप होता है ना वो कैटरपिलर है। तो जस्ट ये कोकून जो आपका है वो एक तरीके से कोकून से ही आपका वो प्राप्त हो रहा है। तो हम ये भी शॉर्टकट कह सकते हैं कि रेशम हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। एक लाइन ये भी आप अच्छे से बता सकते हो कि जो रेशम है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अब वो कैसे कैसे प्राप्त होता है ये मैंने आपको ढंग से समझा दिया, तो इसमें आपको याद रखना है। तो आज बेटा आपके वीडियो में ये आपने देखा कि रेशम से रेशमी कैसे वस्त्र बनते हैं, बाकी रेशमी वस्त्र तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। कोकून से आपको रेशम तो मिल जाएगा पर रासायनिक विधि कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत अपनानी पड़ेगी, तो उससे फिर आप वस्त्र को तैयार कर लोगे। तो इस तरीके से रेशम कीट पालन विधि से मादा रेशम कीट के द्वारा उसके लार्वा, प्यूपा और कोकून की सहायता से आप रेशम को बाहर निकालते हैं। रेशम को बाहर निकाल के उसको रासायनिक विधि द्वारा तैयार करके रेशमी वस्त्र बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरे इस लेसन के अंदर रेशम के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है। तो ये आप ध्यान से बेटा देखें। और एक चीज़ और, सेवन्थ क्लास में बहुत कम बच्चों का SW आ रहा है, ये बहुत ही बुरी बात है, यानी आपके मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 बच्चों का SW है। आप वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, आप देखिए ध्यान से और वीडियो को और समझिए और नोटबुक में नोट करिए, प्लीज़ SW सेंड करिए। तो आज जो है आपके जो है जो आपका लेक्चर है उसमें आपका इम्पोर्टेंट जो भी आपका बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो एक तरीके से आपने रेशम कीट पालन पढ़ लिया। तो बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।